नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं अलोक शुक्ला एक बार फिर से आप सभी की सेवा में हाजिर। आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा विशेष अलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ के लिए एक बहुत ही बेहतर रणनीति लेके आया हूँ और उम्मीद है पहले की भांति आप इस रणनीति को भी बहुत ज्यादा पसंद करोगे, साथ में ही आप इससे बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित होगा। जो मित्र अभी भी नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगला जो आपका करीबन 25 से 30 मिनट का सेशन होने वाला है, ये शायद आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है। क्या चर्चा हम लोग कर रहे हैं, अभी देखा जाए तो आपके पास 30 दिन शेष है और 15 प्लस टॉपिक जो है आपके पास, कायदे से आपके एग्जाम के सिलेबस में 12 टॉपिक मेंशन किया है, बट अगर हम उसे फ्रैक्शन और उसे हम डिवाइड करें तो 15 प्लस टॉपिक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस 30 दिनों में बच्चों के बीच में जो सबसे ज्यादा एम्बिगिटीज होती हैं वो ये होता है कि आखिर अब हम पढ़ें कहां से, क्या पढ़ें, लास्ट टाइम में क्या पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा, टेस्ट सीरीज कौन सी सॉल्व करें, क्या मटेरियल होना चाहिए हमारे पास, क्या सोर्सेस होना चाहिए और उसे पढ़ने का तरीका सही क्या होना चाहिए, इन तमाम बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और एक एक करके, वो चाहे आपका टाइम टेबल हो या फिर आपका एक कट ऑफ प्रेडिक्शन हो या फिर आपका क्या सेफ स्कोर हो सकता है, किस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर कितना समय देना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है और कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक है, इन सारे बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो आपके टॉपिक है सिलेबस, अभी इतने समय तक मेरे ख्याल से आप सभी लोग अपनी तैयारी पूरी कर ही लियोगे, एटलीस्ट एक बार कर लियोगे। तमाम बच्चे, हजारों बच्चे जो हैं वो कोर्स में जुड़े हुए हैं और इसके लिए मैं आपको विशेष आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने एक विश्वास के साथ टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़ा और टीम ने लगातार ऐसा, जैसा कि एससी आरओ हमेशा बहुत कम समय पेपर करा लेता है अगर हाईकोर्ट की बात करें हम, लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा सा ज्यादा समय मिला हमारे पास, 2 महीने से ज्यादा लगभग समय मिला, तो हमारी तैयारी भी ज्यादा अच्छी हो पाई है। और एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा, हम रिविजन मोड में है, आपकी रिविजन क्लासेस चल भी रही है, इंग्लिश की रिविजन में अलग से ही आपकी कल से अवेलेबल करवा दूंगा, 10 दिन की क्लास रिवीजन बहुत अच्छी होगी, ज्योग्राफी चल रहा है, बाकी जीएस के पोर्शन का भी, कंप्यूटर के भी पोर्शन का, सब कुछ बहुत समग्र रूप से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास टॉपिक क्या है, एक बार देख ले, हिंदी है, रीजनिंग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, कंप्यूटर, यूपी, इंडियन ज्योग्राफी, इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस, ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वॉइसेस, नरेशन, स्पेलिंग, पैसेज, पीक्यूआरएस, फिलर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्शन, मिसलिनियस में रखते हैं, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, सेंसस, ट्रेड एंड कॉमर्स और मिसलिनियस। अभी ये देखा जाए तो मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है कि आखिर किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा समय देना है और किस सब्जेक्ट पे बिल्कुल समय नहीं देना है। तो रणनीति के हिसाब से मैं सबसे पहले आपको वो बताना चाहूंगा जहां पे आपको मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल अभी मेहनत कहां करनी है वो मैं आपको 5 मिनट बाद बताऊंगा। अभी जो ज्यादा सिंसियरिटी के साथ आपको सुनना है कि किन टॉपिक में मेहनत नहीं करनी है और क्यों नहीं करनी है, उसका कारण यह है कि कई बार क्या होता है, तैयारी के समय में हमारे पास कुछ ऐसे फेजेस होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जहां पे हम मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन अल्टीमेटली उसका गेन जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन अंतिम समय में हमें गधों जैसे मेहनत नहीं करनी है, हमें बहुत स्मार्ट मेहनत करनी है और एक ऑप्टिमम तरीके से आगे बढ़ना है। ऑप्टिमम तरीका कहने का मतलब ये कि कम एफर्ट में हमें ज्यादा गेन लेना है, कम मेहनत में हमें ज्यादा अंक, ज्यादा क्वेश्चंस अपने झोली में डालना है। निगेटिव नहीं है ये बात, बिल्कुल सही है, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करती है, ये बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्यों एक्यूरेसी मैटर करती है। दूसरी बात ये भी आप जानते हो कि इसमें टाइपिंग टेस्ट जस्ट 15 मिनट बाद आपका हो जाएगा, जो 50 मिनट है, जो कि आपके कट ऑफ को काफी हद तक यहाँ पे आपको इफेक्ट करेगा और उसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपके पूरे सिलेबस में 2 टॉपिक मैंने ऐसे डिवाइड किए हैं जो एक तो बेहद आसान है और बेहद टफ है, और इन दोनों टॉपिक को ही आपको इस 30 दिनों में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आसान वाले की बात करते हैं, हिंदी। हिंदी एक ऐसा विषय है जो शायद ही कोई बच्चा यहाँ पे होगा जिसकी हिंदी स्ट्रांग नहीं होगी, और अगर नहीं भी होगी तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें अगर 1 से 2 दिन भी ढंग से मेहनत कर लिया जाए, 3 दिन भी ढंग से मेहनत कर लिया जाए, या एक बार एटलीस्ट क्लासेस आपने कवर कर लिया है, नोट्स आपने पढ़ लिया है, तो मोर देन सफिशियंट है कि आपका अगर यहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चन आएगा तो 95% क्वेश्चन आप सही करके आओगे। हिंदी का आपका पैसेज हुआ, चाहे गद्यांश की बात करें, पद्यांश की बात करें, या फिर हम किसी व्याकरण की बात करें, या हम वोकैब्स पार्ट की बात करें, शब्दकोश की बात करें, सारे सेक्शन लगभग आसान होते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है।
आप अगर इस 30 दिनों में हिंदी में बहुत ज्यादा मेहनत करो भी, तो मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चा, कोई अंग्रेजी माध्यम का भी बच्चा जो शायद हिंदी 10वीं क्लास के बाद पढ़ा भी ना हो, उसे भी परीक्षा में बिठा दिया जाए तो इस 20 क्वेश्चन में से कम 12 से 13 क्वेश्चन कर लेगा। और अगर उसने एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो वो क्वेश्चन 15 प्लस पहुंच जाएगा। वहीं पर हिंदी माध्यम का बच्चा अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो वो 20 में से 17 प्लस 18 प्लस क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएगा। अब आप यहां पर सोचो, अगर इस अंतिम 30 दिनों में आप हिंदी पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट कर लोगे अपने साथ, तो 1 से 2 क्वेश्चन बढ़ा पाओगे। मतलब अगर आप 15 से 17 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो आपका ये बढ़ के 17 से 18 हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन लगभग सभी के गलत होते हैं, ह्यूमन एरर होती है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं होता जिसका आपका 20 में 20 सही हो जाएगा। हो सकता है 20 में 20 एकाद का सही हो जाए, लेकिन वो एकाद होंगे, वो टॉपर्स की कैटेगरी होगी, है ना, या अपने सब्जेक्ट के टॉपर्स की कैटेगरी होगी, वो इन जनरल की बात नहीं होगी। मैं इन पर्टिकुलर की बात नहीं करूंगा, मैं इन जनरल की बात करूंगा। समग्र रूप से उन सारे बच्चों को एक तराजू में रख के बात करूंगा कि ये स्ट्रेटेजी, ये रणनीति आप सभी के लिए कामगार साबित हो, रामबाण साबित हो। तो हिंदी में आपको मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि यहां पे एफर्ट बहुत ज्यादा पुट करोगे तो भी आपको केवल 1 से 2 क्वेश्चन का इजाफा होगा, जो क्या होगा, जो गलत होगा आपके अंतिम समय में। यही पे आपके पास समय होता, 2 महीना होता, 2.5 महीना होता, 3 महीना होता, तो मैं बिल्कुल बोलता नहीं हिंदी आप अच्छे से पढ़ो। जब मैंने पहले रणनीति आपकी बताई थी तो आपको बोला था कि हिंदी आप पहले पढ़ लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, है ना। अभी आपका कॉन्फिडेंस पर्याप्त बूस्ट है कि 20 क्वेश्चन आपका कहीं गया नहीं है, वो आपका है, रीजनिंग है। अगर आपका थोड़ा भी दिमाग चलता है, आप अपने आप को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए देखते हो, तो जाहिर सी बात है आपकी ये रीजनिंग पोर्शन स्ट्रांग होगी। वो चाहे आर्ट साइड का बच्चा हो, वो चाहे मैथ साइड का बच्चा हो, मैथ साइड का बच्चा हो तो नो डाउट उसकी बहुत अच्छी होती है, आर्ट साइड का बच्चा होगा तो भी उसकी रीजनिंग एटलीस्ट स्ट्रांग होती है। मैथ की बात अलग करेंगे, आरओ में यहां पे 1-2 क्वेश्चन मैथ पूछा जा सकता है, हो सकता है ना भी पूछा जाए। एआरओ में मैथ एकदम नहीं आएगा, वहां पे केवल रीजनिंग आएगा, तो रीजनिंग के पोर्शन ज्यादा होंगे। और आरओ में बात करें तो इसी रीजनिंग में मैथ भी इंक्लूडेड है, ये अंडरस्टूड है, आप समझ जाइएगा। तो रीजनिंग आपकी क्या होती है, जितना आपने प्रैक्टिस करना था वो प्रैक्टिस कर लिया है, जितना आपने पढ़ना था वो पढ़ लिया है, अन्य जो आपके प्रैक्टिस है वो आशीष सर अभी एक स्पेशल क्लास दिए थे उससे कवर हो जाएगा, 1-2 क्लास आपको और कवर करा देंगे उसमें कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो आप देख लीजिएगा। साथ में ही आपको अंतिम समय में रीजनिंग के लिए केवल क्या करना है, परीक्षा प्लस की टेस्ट सीरीज जो बेहद अच्छी है, बहुत अच्छी है, जिसमें प्रश्नगत भी रणनीति आपको बताई गई है, आप अंतिम समय में उसे जरूर हल करो। अगर आपने परीक्षा प्लस की टेस्ट सीरीज हल कर लिया है तो मैं 1-2 प्लेटफॉर्म और बोलूंगा, जैसे टेस्ट बुक वगैरह हो गए जिनकी क्वालिटी अच्छी है, बैलेंस है, आप उनको कर लो। ऐसी टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत उठाना जिनकी बहुत ज्यादा टफ है, जिनमें आपका मोरल डाउन हो सकता है। तो रीजनिंग भी आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लोगे, अभी 15 में 13-14 क्वेश्चन सही कर लोगे, मैं कह रहा हूं 12-13 सही कर लोगे, बहुत मेहनत करके आप 14 पे पहुंच जाओगे। 1-2 क्वेश्चन, 1-1 क्वेश्चन गलत होता ही होता है। बहुत नॉर्मल सा बच्चा होगा वो भी 10 से 13 क्वेश्चन सही करके आएगा ही आएगा, मेहनत करने के बाद भी 1-2 क्वेश्चन का इजाफा होगा, तो इसे भी अंतिम 30 दिनों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो बेहद आसान है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन 35 क्वेश्चन पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अंतिम 30 दिनों की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दिन आपके पास 30 हैं, टॉपिक आपके पास 15 से ज्यादा हैं, और अगर आप एक दिन में एक टॉपिक कवर करोगे तो भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 2 दिन में करोगे तो शायद जाके आपका कंप्लीट हो सकता है, ऐसा बोल सकते हो, और फिर भी आप कंप्लीट रूप से नहीं कर पाओगे, उसमें आधा तिहाई ही करोगे, पूरा का पूरा नहीं कर पाओगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं आपको स्किपिंग रूल आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्किपिंग रूल से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है और आपकी रणनीति ज्यादा बेटर होने वाली है। बात समझ में आ रही है? दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, टफ पोर्शन। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पैदाइशी ही खराब होते हैं, जिनका मुखड़ा ही खराब होता है। आप इसे ऐसे समझ लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, इसका जो आपका रीजन है, जो क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा वेस्ट है। आप कितना भी पढ़ लो हमेशा, आप कभी इसमें पूर्ण नहीं हो सकते, कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। दूसरी बात, जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और अगर पूरे पेपर में किसी पोर्शन को टफ करता है, तो ये 3 पोर्शन जो हैं सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं पेपर को कठिन या आसान बनाने में। या तो पेपर में मैथ पूछा जाए और मैथ की संख्या ज्यादा हो, तब तो पेपर कठिन और आसान हो सकता है, उसका स्तर घट बढ़ सकता है। लेकिन अगर पेपर आपका सामान्य अध्ययन पर आधारित है, तो सामान्य अध्ययन जीएस पोर्शन में सबसे ज्यादा टफ करने वाला पोर्शन यही है। क्यों?
कहीं आपसे पर्वत पूछ लिया तो हो सकता है ऐसे पर्वत पूछना जो आपने नहीं सुना है, नदियों की सहायक नदियां पूछ लिया जो आपने नाम नहीं सुना है, आपसे कई बार पठार कहीं विश्व के ऐसे ऐसे पूछ लिया जो आपने शायद नहीं पढ़ा है, या फिर आपसे जल संधियां बहुत छोटी छोटी पूछ लिया, कैरेबियन कंट्रीज का पूछ लिया, आईलैंड आपसे पूछ लिया, मैपिंग से पूछ लिया, वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़े नहीं हो, क्योंकि ये बहुत वेस्ट है, आप सारे क्षेत्र को कवर नहीं कर सकते हो। मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं पढ़ना, पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। मिडिवल हिस्ट्री ऐसी है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे मिडिवल हिस्ट्री में हमेशा हर आयोग, इवन आपका यूपीपीएससी हो या फिर आपका चाहे यूपीएससी हो या फिर कोई ऐसा आयोग जहां पे जीएस का अच्छा स्तर पूछा जाता है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे वो यूपीपीएससी का हो चाहे वो अलाहाबाद हाईकोर्ट का हो, और विगत वर्षों के पेपर को भी देखा जाए तो इन्हीं संभाग से सबसे ज्यादा कठिन प्रश्न पूछे गए। कारण क्या है, यहाँ पे आपसे जमींदारी सिस्टम हो गया है ना, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, या फिर कोई ऐसा उनकी जो बोल सकते हैं कि अलग अलग डायनेस्टीज के अलग अलग उनके रूल्स हो गए, उनके नियम हो गए, उनके कानून हो गए, उनके द्वारा लाई गई पद्धतियां हो गई, जो कहीं ना कहीं जाके बहुत डीप हो जाते हैं और उनकी जानकारी आपको टेक्स्ट बुक में जल्दी नहीं मिलती है, रेफरेंस बुक में नहीं मिलती है, शायद आप उस पर्टिकुलर डायनेस्टी की बायोग्राफी पढ़ो या कोई रेफरेंस किताब पढ़ो उनमें मिलती है, जो जनरली उठा लिया जाता है, कभी डॉक्यूमेंट्री से उठा लिया जाता है, कभी किन्हीं पोर्शन से उठा लिया जाता है, कभी किसी ऐसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है जहां से उठा लिया जाता है थोड़ा बहुत चेंज करके, तो ये पोर्शन आपको टफ बना देता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन अगर पेपर टफ होता है तो इन्हीं पोर्शन से होता है, और यही हाल आपका क्या है, एंशिएंट का है। सबसे ज्यादा कला संस्कृति का पेपर क्वेश्चन कहां से बनता है, एंशिएंट से बनता है, एंशिएंट और मिडिवल से बनता है, और यही पोर्शन क्या करते हैं, टफ कर देते हैं। प्लस बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, जैसे साउथ की बहुत सारी डायनेस्टीज होती हैं, जहां पे आपको स्मरण करना भी कठिन होता है, पढ़ना भी कठिन होता है, और एग्जाम में उसको सही करना भी कठिन होता है। तो इन पोर्शन को भी अगर सपोज करो कि 14 से 15 क्वेश्चन है, अभी मैं कह रहा हूं कि आप इन 14 से 15 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन करने में सक्षम होगे, आप 30 के 300 दिन 14 से 15 घंटा रोज पढ़ो, 30 के 300 दिन 14 से 15 घंटा रोज पढ़ोगे तो भी आप इसमें 2 से 3 क्वेश्चन का इजाफा कर पाओगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो ये बेवकूफी होगी कि आप अंतिम समय में इन पोर्शन पे ज्यादा समय दो। इस पोर्शन में भी कहां पे समय देना है वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे चलो यहीं पे बता दे रहा हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हो गया कॉमन, आपके जो माउंटेन्स हो गए, रेंजेस हो गए, पठार हो गए, जल संधियां हो गई, नदियां हो गई, कैपिटल्स हो गए है ना, या फिर आइलैंड्स हो गए इन, या फिर आपका नदियों के किनारे बसे शहर नगर देश हो गए, या फिर करेंसीज हो गए, इन टॉपिक को आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से कवर कर सकते हो। मिडिवल हिस्ट्री में डायनेस्टीज हो गए, डायनेस्टीज में कौन उसके फाउंडर रहे हैं, लड़ाइयां हो गई, उनकी डेट हो गई, लड़ाइयों में कौन जीता कौन हारा ये हो गया। एंशियंट में आपका बुद्धा हो गया, जैन हो गए है ना, उनकी संगीतियां हो गई, उनके त्रिपिटक हो गए, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमन क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, अन्य से नहीं बनेगा, तो वो चीजें आप आराम से इसे देख सकते हो, तो वहां पे आप समय बचा सकते हो। तो ये वो पोर्शन है जहां पे हमें पढ़ना नहीं है इस 30 दिनों में, और तब पढ़ना है जब हमारे पास अन्य सब्जेक्ट का अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए, एक्स्ट्रा समय हमारे पास बच जाए, या बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करे। ध्यान देना, फिर भी इमोशनली अटैच नहीं होना है कि आपकी मिडिवल बहुत स्ट्रांग है, आपकी एंशिएंट बहुत स्ट्रांग है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग पढ़ने में बड़ा मजा आता है, हिंदी पढ़ने में बड़ा मजा आता है, तो मजे के खातिर नहीं पढ़ना है, परीक्षा के खातिर पढ़ना है। जितना मजे के खातिर पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब परीक्षा के खातिर पढ़ना है। आगे आते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे आपको मेहनत करनी है, जैसे जिनमें मैं प्रायोरिटी वाइज रख दिया हूं आपका, एक तरफ मैंने आपका जीएस के संभाग को कर दिया, एक तरफ मैंने इंग्लिश के संभाग को कर दिया। देखिए, इंग्लिश का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी तक विगत वर्षों में 50 क्वेश्चन पूछता आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है इंग्लिश के क्वेश्चन कम भी पूछ ले जाएं, लेकिन अगर कम पूछ लेता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसका फायदा सबको। सपोज करें फॉर इंस्टेंस कि अगर 50 क्वेश्चन में से 25 ही क्वेश्चन अंग्रेजी आता है, तो 25 क्वेश्चन जो वो एक्स्ट्रा हुए वो 25 क्वेश्चन इन सब में डिवाइड होंगे, और बाकी सब में डिवाइड होंगे तो सब में दो दो बढ़ेंगे, तो हर क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद ही होगा अगर अंग्रेजी के क्वेश्चन कम होते हैं। क्योंकि सभी जानते हो कि आप राज्य स्तरीय परीक्षा दे रहे हो, और सबसे ज्यादा परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी हैं अभ्यर्थी हैं वो हिंदी माध्यम के ही क्षेत्र के हैं। अगर आप अंग्रेजी माध्यम को, तो आपको सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपके लिए तो फिर वेरी गुड, विन विन की सिचुएशन है। बट इफ आप क्या हो, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर 50 आता है तो 50 के हिसाब से, 25 आता है तो आपको तो विन विन सिचुएशन रहेगी, फायदा तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन इंग्लिश जरूर पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा कितने समय पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसे हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम इसमें आते हैं। तो अंतिम समय में 30 दिन में जो सबसे ज्यादा पढ़े जाना वाला, पढ़ने वाला टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। क्यों मैंने इसे नंबर एक प्रायोरिटी पे रखा है, क्यों नंबर एक पे रखा है, क्योंकि
एक बुकलेट आपकी, केवल एक किताब। मैं क्या कह रहा हूं, आप घटना सार के अर्धवार्षिक अंक ले लीजिए। कौन सा अंक ले लीजिए? अक्टूबर का अंक ले लीजिए। आप घटना चक्र का वार्षिक अंक ले लीजिए। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए। इन तीनों में से कोई एक मैगजीन ले लीजिए, कोई एक, तीनों नहीं, कोई एक मैगजीन ले लीजिए और उसे कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता है, दूसरी बात सबसे ज्यादा गलत भी इसी को करता है। क्यों? क्योंकि वो एक बार में एक मैगजीन से पढ़ेगा, फिर बोलेगा घटना चक्र पढ़ लूं, घटना सार पढ़ लूं, फिर घटना सार पढ़े लॉ क्रॉनिकल पढ़ लूं, फिर लॉ प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ लूं, उसके बाद कोई मैगजीन नहीं आई स्पीडी वगैरह वो भी देख लिए, कोई नए राइटर है उनका भी देख लिए। ये अलग अलग किताबें हर बार पढ़ रहे हो, अलग अलग किताबें पढ़ रहे हो, पहली गलती है। दूसरी गलती, आप यूट्यूब, आज के यूट्यूब के जमाने में सबसे ज्यादा समय आप कहां बर्बाद कर रहे हो? यूट्यूब पे बर्बाद कर रहे हो। इनका मैराथन कर लें, इनकी 6 बजे वाली क्लास कर लें, इनका 7 बजे वाली क्लास कर लें, उसके बाद समय बचता है तो सर आप पीडीएफ दे दो, आपके पीडीएफ से पढ़ लें, सर आपके पीडीएफ से पढ़ लें, मतलब अपने दिमाग में केवल कूड़ा भर रहे हो। और इसके कारण क्या होता है, मल्टीपल रिसोर्सेस मेक्स योर माइंड एम्बिगुइटी, है ना। जितना ज्यादा आपके पास रिसोर्सेस होंगे आपके दिमाग में, वो आपकी स्थिति उतनी ज्यादा होगी, कंफ्यूजन उतने ज्यादा होंगे। और यही कारण है जब आप परीक्षा में बैठते हो तो चारों विकल्प आपको लगते हैं मैंने ये भी पढ़ा है, ये भी सही हो सकता 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 है, जिसके कारण आपकी जो एक्यूरेसी होती है सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां पे होती है? यही पे होती है करंट अफेयर्स में। जबकि तरीका क्या है कि आप एक मैगजीन उठाओ। क्यों? क्योंकि 99% इंफॉर्मेशन सारी किताबों में सेम रहेगा। आप घटना चक्र भी पढ़ लोगे तो भी वही करंट नहीं बदलता, घटना सार पढ़ लोगे तो भी वही इंफॉर्मेशन, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लोगे तो भी वही इंफॉर्मेशन, इवन आप किसी के वीडियोस देख लोगे तो वो भी वही इसी मैगजीन का रेफरेंस लेगा, अगर आप किसी का पीडीएफ लोगे तो वो भी इसी मैगजीन का रेफरेंस लेगा, और ये सब भी पीआईबी के रेफरेंस लेते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जब एक ही किताब से सब लोग उठा रहे हैं तो आप ही केवल वो किताब पतली से क्यों ना पढ़ो और उसे 3-4 बार पढ़ लोगे। 3-4 बार पढ़ने का फायदा क्या है? आपका दिमाग अक्षरों में नहीं सोचता, आपका दिमाग इमेज में सोचता है। जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो तो उसकी एक पिक्चर आपके दिमाग में फीड होती जाती है कि ये वाली खबर, ये वाला पॉइंट मैंने इस किताब में, इस पेज पे, इस कोने में पढ़ा था, और वो आपके दिमाग में स्मरण होता चला जाता है, बैठता चला जाता है, जिस कारण से आपको सिंगल बुक से मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और सबसे कम समय में सबसे ज्यादा नंबर आप यहां से ला सकते हो। अगर आपने इसे 2 से 3 बार सीरियसली पढ़ लिया तो 18-20 क्वेश्चन में 15+ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से, मतलब कुछ सोचना नहीं। और अगर थोड़ा विद्वत पढ़ लिया तो हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चन 1-2 गलत हो जाएं, वो बात अलग है, सारे के सारे सही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ टफ जैसा नहीं होता, करंट में कुछ टफ जैसा, कुछ आसान जैसा नहीं होता। अगर आपने उस खबर से आप उस खबर को पढ़े हो, जानते हो, तो ठीक है, उस खबर से वंचित हो तो फिर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा पोर्शन प्रायोरिटी नंबर पे मैं रखता हूं पॉलिटी को। क्यों पॉलिटी को? क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत सीमित है, क्षेत्र बहुत सीमित है। आप क्या पढ़ लो? भाग पढ़ लो। आप क्या पढ़ लो? अनुसूचियां पढ़ लो। आप 100 तक संविधान वो पढ़ लो, अनुच्छेद पढ़ लो। आप संविधान सभा के बारे में पढ़ लो, बैकग्राउंड उसका पढ़ लो, राष्ट्रपति वगैरह से थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, कैग वगैरह अच्छे से पढ़ लो। इससे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी में ना आज तक बना है ना बनेगा। फंडामेंटल राइट्स वा, डीपीएसपी वा, बार बार वही पूछता है कि ये कहां से लिया गया, ये कहां से लिया गया, बार बार पूछता है। तो आपका जो पॉलिटी है कायदे से, ये आपका आउट होता है पेपर। ये आप अगर ज्यादा ना पढ़ो, आप केवल कुछ नहीं पढ़े हो, सपोज करो कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप रमन सर के नोट्स उठाओ जो आपको दिया गया कोर्स में, एक बार रिवाइज कर डालो। या अगर आप घटना चक्र वगैरह पढ़ते आए हो तो किताब उठाओ, घटना चक्र के सारे क्वेश्चन लगा डालो, वो भी आपके क्या होंगे? बेनिफिशियल, इक्विवेलेंट बेनिफिशियल होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे कम समय में अगर इसके 10 क्वेश्चन लगभग पूछता है, कोई नेसेसरी नहीं कि 10 ही पूछे, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट ये अप्रॉक्स जो मैं डिवीजन लेके आया हूं, जो एक बैलेंस डिवीजन हो सकता है एनटीए द्वारा, क्योंकि एजेंसी आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और बहुत ही बैलेंस पेपर बनाती है, जिक्र मैंने पहले भी कर चुका है। तो आपका पॉलिटिक कम मेहनत में ज्यादा सॉलिड क्वेश्चन है, ये आप दूसरे नंबर पे करो। तीसरा आपका क्या है, समय किसको देना है? मॉडर्न इंडिया, पूरे इतिहास में यही एक ऐसा भाग है जो पढ़ने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, समय लगने में सबसे ज्यादा कम है और मार्क्स के नाम पे सबसे ज्यादा सिक्योर है। तो अगर आप इतिहास के नाम पे पढ़ते हो तो वो क्या पढ़ना है? मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। अगर आप इसे लास्ट टाइम में रिवाइज करते हो तो वो बेनिफिशियल होगा। चौथे नंबर पे प्रायोरिटी वाइज मैंने रखा है कंप्यूटर को। क्यों कंप्यूटर को रखा है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन
15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, प्लस आपका बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। कंप्यूटर का एप्लीकेशन, जैसे आपका क्या हुआ एमएस ऑफिस हो गया, एप्लीकेशन उनसे बहुत ज्यादा पूछ लेंगे, बहुत ज्यादा इसमें नेटवर्किंग वगैरह इन सबसे, प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके एप्लीकेशन से ही, टूल्स से ही, और आपके जनरल सोशल मीडिया मल्टीमीडिया इन सबसे क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कंप्यूटर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। तो आपको ये जितना आशीष सर ने पढ़ाया है, कुछ क्लासेस आपकी ये ऑल लेंगे, जितना एमसीक्यूज कवर करवा दिए और जिन्होंने नोट्स दे दिया है उसे जरूर पढ़ लो। इतना अगर आपने कर लिया है, ये सारी चीजें आपको ऐप में ही आपके अकाउंट में मिल जाएंगी पेड वाले कोर्स में, तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, वहां से आप डायरेक्ट एक बार रिवाइज करते चलो, तो कंप्यूटर भी आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स दिला देगा। उसके बाद आपका यूपी आता है, यूपी आपका 10 क्वेश्चन लगभग कवर करेगा, ये भी आपको कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। और उसके बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी, आसान में से जिन्हें पढ़ना है उनमें भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी को सबसे लास्ट में रखा है। कारण इसका यह है कि इसके क्वेश्चन 6 से 7 या 8 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। इनमें भी क्वेश्चन कहां से होंगे, रिवर्स से होंगे, इंडिया एंड बाउंड्री से दे दें, इंडिया एंड बाउंड्री ले लो, है ना, उसके बाद रिवर हो गया, उसके बाद इंडिया के माउंटेन्स हो गए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। रिवर में ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गए और माउंटेन्स में ही दर्रे हो गए, ये आप समझते हुए चलिएगा। बाकी इंडिया का मिनरल्स हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। मिनरल्स के अलावा आपका यातायात वगैरह हो गया, इन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। अगर ज्यादा क्वेश्चन उस वाले इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ज्यादा आपका मिनरल्स ही पूछता है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो आप रिवर पढ़ लो, माउंटेन पढ़ लो, इंडिया स्टेट एंड बाउंड्री मतलब इंडिया पॉलिटिकल पढ़ लो, और मिनरल्स पढ़ लो, केवल 4 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका इंडियन ज्योग्राफी में 6-7 से कम से कम 4-5 क्वेश्चन सही करके आओगे, नो डाउट आपका कहीं भी इतना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आते हैं हम लोग कुछ और पोर्शन पे, जैसे ये पोर्शन आपका बच रहा है एनवायरमेंट इकोलॉजी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, यहां पे क्वेश्चन आपके 4 से 5 होंगे, लेकिन कुछ ही पार्ट होगा, जैसे बायोडायवर्सिटी का पार्ट हुआ, है ना, आपके नेशनल पार्क वगैरह हो गए, या फिर कोई सम्मेलन हो गए यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, रामसर साइट वेटलैंड वगैरह जैसे हो गए करंट से रिलेटेड टॉपिक, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। इन सारे टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर लो, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बहुत कन्वेंशनल टॉपिक पे जाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा पार्ट है जहां पे स्टैटिक पार्ट ही पूछेगा, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सम्मेलन आपका जरूरी है, रामसर साइट वेटलैंड साइट वेटलैंड्स जो है ये आपके ज्यादा जरूरी है, नेशनल पार्क जैसे बायोडाइवर्सिटी में देखोगे तो इनमें ज्यादा जरूरी है, प्लस आपका एनर्जी ट्रांसफर जो डायग्राम होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये वाला आपका जरूरी है। अगर पूछता है कन्वेंशनल लेवल पे तो यहां से पूछेगा, बाकी ज्यादा नहीं पूछेगा। इकोनॉमिक्स आपका हाई कोर्ट आरओ में थोड़ा सा पारंपरिक पूछता है, अगर वो करंट से रिलेटेड पूछता है तो नो डाउट यहां पे क्वेश्चन कम होंगे, करंट वाले ज्यादा होंगे जो आप करंट में मेहनत ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन अगर पारंपरिक पूछेगा तो इसमें भी सीमित क्षेत्र है, जैसे टैक्सेस पूछ लेगा, जैसे बजट पूछ लेगा, जैसे एनएनपी वगैरह हो गया, ये सब जो टर्म्स होते हैं बेसिक ये पूछ लिया, बैंकिंग के टर्म्स हो गया ये ज्यादा आपसे पूछ लेगा, या फिर आपके जो प्लानिंग है ना, या फिर जो प्लांस है ईयर, ये से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा, इससे ज्यादा इकोनॉमिक्स में भी कन्वेंशनली नहीं जाएगा। तो आप जो मेजर आपको पढ़ाया गया, जो नोट्स दिया गया है, वही इतना कवर कर लेते हो, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो आप लोग कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ते आए हो, जो आपने क्लासेस किया है, जो आपने रिवाइज किया है, नोट्स मिले हैं, अभी एक फेज आपका क्लास वाला चला, दूसरा फेज आपका क्या चला, नोट्स वाला चला, अब फेज आ गया है नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो और टेस्ट जरूर दो। 30 दिन बचे हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, आप में से सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो फुल कोर्स में तो जुड़े हुए हो, मतलब कि आपने वीडियो क्लासेस देख लिया है, आपने नोट्स पढ़ लिया है, लेकिन आपने टेस्ट के नाम पे केवल सेक्शनल दिया है, फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया है, तो मैं उसे बोलूंगा 150-200 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप लास्ट में बचाओ मत। बहुत ही क्वालिटेटिव टेस्ट है, 200 क्वेश्चन, हर प्रश्न की अलग से रणनीति दी गई है, और एक क्वेश्चन आपके अलग अलग 5 क्वेश्चन को कवर कर रहा है, मतलब अगर 200 क्वेश्चन है, 10 पेपर है, 2000 क्वेश्चन ये हो गए, और एक क्वेश्चन 5 को कवर कर रहा है, मतलब 2000 × 5 10,000 क्वेश्चन आपके उस 10 टेस्ट से कवर हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जरूर वो टेस्ट जरूर दो, बहुत ही बैलेंस्ड है, और सबसे बड़ी बात है वो सारे टेस्ट आपके एनटीए द्वारा कराए गए विगत वर्षों के पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और फिर आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनका बहुत ही मिश्रित रूप है, और फिर उनकी जानकारी, उनका जो एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है, तो आप उसे जरूर करो, ये मेरी राय, आपको जरूर मानना है, अगर आपको सफल होना है, मस्ट होना है।
उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक आते हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, सेंसस हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, और ये मिसलिनियस हो गया। इनको कहीं अलग से नहीं पढ़ना है, केवल परीक्षा प्लस द्वारा जो दिए गए नोट्स हैं, है ना, जो परीक्षा प्लस द्वारा दिए गए नोट्स हैं, इन्हीं से बार बार रिवाइज करना है। कहीं अलग जाने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसमें आपको मैक्सिमम कवर करवा देगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर मैंने लिखा है टेस्ट सीरीज आपके लिए मस्ट है, और 4 घंटे डेली बेसिस पे नहीं, अल्टरनेट डेज पे देना है। हम चर्चा कर लेते हैं, इससे पहले अभी टेस्ट सीरीज पे भी आएंगे, उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अंग्रेजी, क्योंकि ये पोर्शन हमारा बच गया है और सबसे बड़ा चंक आपका है, सबसे बड़ा आपका चंक, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही पे कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन लगभग का केवल अंग्रेजी कवर कर रहा है। देखा जाए 200 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन लगभग 25% टॉपिक आपका यही कवर कर रहा है, लेकिन इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं है। हनीफ सर ने आपको बहुत विधिवत पढ़ाया और सबसे ज्यादा क्लासेस इतने कम समय में भी, अगर आपको 40 क्लासेस इंग्लिश की दी गई है तो वो बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त 40 क्लासेस तो दिया गया है, इसके अतिरिक्त आपको 10 क्लास एक्स्ट्रा वो भी निशुल्क दिया जाएगा। ये मैं YouTube पे सारे बच्चों के लिए निशुल्क करवा दूंगा, जिसमें आपके PYQs होंगे, जिसमें आपके वोकैब्स के प्रैक्टिस होंगे, जिसमें आपके सीट के प्रैक्टिस होंगे, जो आपके क्वेश्चन सीट में दिए गए थे उनके सॉल्यूशंस करवाए जाएंगे, और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्लास होगी। तो ये 10 क्लास आपको अंग्रेजी के जरूर कर लेना है। जिनकी अंग्रेजी एकदम नहीं आती है, मैं गारंटी ले रहा हूं इस 50 क्वेश्चन में जो जीरो है ना, जीरो अंग्रेजी में, वो भी 30+ सिक्योर करेगा। मैं बता रहा हूं जो अंग्रेजी में एकदम नहीं आता, बोल सकते हो गधा टाइप का लड़का है, वो भी 30+ सिक्योर करेगा अगर आप ये लास्ट के 10 दिन केवल कवर कर लोगे तो ये बहुत, कल से ये क्लास चालू हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसे पुश कर लो, और डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उससे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाओ, ताकि आपको क्या दे दिया वहां पे नोटिफिकेशन पता चल जाए क्लासेस का। इंग्लिश में पढ़ना क्या है? सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्यों इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना है? मुहावरे होते हैं, और जब आप मुहावरे पढ़ते हो तो अपने जीवन से चीजों को रिलेट कर लेते हो, और जब आप जीवन से रिलेट कर लेते हो तो ये अगर एक बार भी एटलीस्ट पढ़ लेते हो तो 90% चीजें स्मरण हो जाती हैं आपके दिमाग में। ये ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, अनेकार्थी शब्द जिसे आप हिंदी में बोलते हो, है ना, तो ये भी एक ऐसा है जो आप अपने जीवन से रिलेट कर लेते हो, और 90% चीजें आपके दिमाग में एक बार केवल पढ़ने से आ जाती हैं। दो बार पढ़ते हो तो 95%, तीन बार पढ़ते हो तो 98%, चार बार पढ़ लेते हो तो लगभग 100% आपका कवर हो जाता है। हालांकि कभी भी ऑब्सोल्यूट कोई चीज याद नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं उसे 99% 100% बोलूंगा अगर आप चार बार ये दोनों टॉपिक पढ़ लेते हो। इसके अतिरिक्त ग्रामर का दो पोर्शन वॉइसेस और नरेशन है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस को मैं इसलिए बोल रहा हूं आसान, क्योंकि आपके पास चार विकल्प होते हैं, और अगर आपने क्लास कर लिया है और कुछ क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस कर लिए या केवल टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको आइडिया लग जाता है कि इन चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, आप एलिमिनेशन मेथड से सही कर लेते हो, और यही हाल आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का है। तो अगर आप इसे इन दोनों ग्रामर के इन दोनों पोर्शन में सेफ खेल सकते हो, उसके बाद आपका वोकैब्स में स्पेलिंग हो गया, पैसेज आपको, ऐसा नहीं है कि पैसेज आप एग्जाम में ही पहले करो, जो 10 टेस्ट दिए गए हैं उन 10 टेस्ट का पैसेज करने का प्रयास करो, जब टेस्ट दे लो तो उसकी PDF से दोबारा पढ़ने का प्रयास करो, पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है उसके नीचे लिखा गया है, उसके अतिरिक्त कैसे पैसेज पूछा जा सकता है, उसके करने की ट्रिक क्या होती है, वो सारी चीज आपके उस सॉल्यूशन PDF टेस्ट सीरीज वाले में दिया गया है, आप वहां से करो। इसके अतिरिक्त आपको सेक्शनल में भी पैसेज का करवाया गया, आप वहां से कवर कर लो। तो ऐसे करके 15 से 20 पैसेज आपको दिया गया है, और वो 15-20 पैसेज मैं आपको बता दूं सारे NTA द्वारा कराए गए एग्जाम्स के ही हैं। तो हो सकता है उन्हीं 15-20 पैसेज में से एक पैसेज एज इट इज फंस जाए, जितना मैं उम्मीद लगा रहा हूं। और अभी आपके GS के MCQs भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं गारंटी ले रहा हूं 40% क्वेश्चन हूं वो मैं फंसा दूंगा आपका, इतना तो मैं श्योर हूं। इस बार आप इसे बोल सकते हो कि मुझे पेपर का अंदाजा हो गया, आप बोल सकते हो मुझे पेपर आउट करा लिया हूं, ऐसा जो भी आपको सोचना है सोचो, लेकिन 40% क्वेश्चन में एज इट इज आपका, जिसका ऑप्शन भी नहीं बदलेगा, वो मैं आपको करवा दूंगा प्रैक्टिस में ही, MCQs में फ्री करवा दूंगा, और वो आपके पेपर में आ जाएगा, तब आप बोलिएगा, ठीक है ना। अभी इसके अलावा स्पेलिंग हो गया, पैसेज हो गया, और PQRS मतलब कि सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, ये आपके इंग्लिश में यहां से आप आराम से क्या करते हो अपने मार्क्स झोली में डाल सकते हो, और इतना ही मिलके 50 में से 30+ है। इसके अलावा जो टफ पार्ट है, इसमें फिलर आप अच्छे से कर सकते हो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप जितने नोट्स में दिए हैं वही आप केवल पढ़ लो, करेक्शन ये पार्ट सबसे टफ है, तो 30 दिनों में आपको इसके लिए और मिसलिनियस के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, इन दोनों पोर्शन के लिए परेशान नहीं होना है। जितना आपको क्लास दे दिया गया है, जितना आपको नोट्स दे दिया, मोर देन सफिशियंट है, और अभी रिवीजन में बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, सबसे ज्यादा इस पे ध्यान देना है, इससे समय बचता है तो इस पे देना है, और इससे भी समय बचता है तो इस पे देना है, वरना नहीं देना है। इसीलिए मैंने इसे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया है, ये आपको समझते हुए चल रहे, ठीक है ना। एक बार हम डिवाइड कर लेते हैं चीजों को, क्यों क्या डिवाइड कर लेते हैं कि हमें कितना घंटा पढ़ना है। देखो
आपके पास 30 दिन है और आपके पास 14 से 15 घंटा डेली आपको पढ़ना है, और अगर कोई इससे कम पढ़ता है तो समीक्षा अधिकारी आरओ का, वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का सपना छोड़ दो, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अंत समय में आपके साथ मेहनत ही जानी है। जितना कूल माइंड होके, जितना पॉजिटिव होके, जितना अपने आप से ये कह के कि नहीं आप कर सकते हो, नहीं आप पक्का करोगे, कंफर्मली आपका सिलेक्शन होगा, अपने आप को समझाते हुए 14-15 घंटे की लगातार मेहनत जो कर लेगा वही सफल हो जाएगा। आपने इससे पहले क्या किया डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप 30 दिनों में क्या कर रहे हो, इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस, इट विल पुश यू इनटू सक्सेस। अगर आप इतना मेहनत कर लेते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अरे भाई 24 घंटे आपके दिन में समय होता है, 6 घंटे अगर आप सोते हो, मैं कह रहा हूं 4 घंटे में आपका नहाना हो गया, खाना हो गया, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो गई, को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, इन सबको मिला लिया जाए तो भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं। इनमें समय बचा लेते हो तो आपका ये 15 से 16 घंटा भी हो सकता है, लेकिन मैं किसी को नसीहत ये नहीं दूंगा कि 4 घंटे सो, आप 6 घंटे सो, लेकिन यहां पे आप टाइम बचा सकते हो। खाना खाते समय खान तो प्रॉपर ही खाओ, लेकिन घूमना बंद कर दो, ज्यादा बातें करना बंद कर दो, फोन पे ज्यादा, फोन से दूरी बना लो, सोशल मीडिया से दूरी बना लो। तो ये 4 घंटे में आप 1-2 घंटा यहां से निकाल सकते हो जो यहां पे दे सकते हो, और 14 से 15 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इस 14-15 घंटे में आपको ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा समय आपको यहां पे देना है, और यहां पे सबसे ज्यादा समय किसे देना है, करंट। जैसे इस 14-15 घंटे में एक चीज तो पहले आप समझ लो कि टेस्ट सीरीज, जो मैंने ये टेस्ट सीरीज की बात की ना, 14 से 15 घंटे में आपको अल्टरनेट डेज पे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन कम से कम, क्योंकि 3 घंटे का तो फुल लेंथ टेस्ट ही होगा, है ना, और उसके बाद 1 घंटा एनालिसिस करो उसकी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई भी अगर आप इसे मन चुराते हो ना, तो इसका मतलब आप सफलता की तरफ नहीं जा रहे हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वो अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है डजंट मेक एनी डिफरेंस, वो आपका स्कोर बूस्ट कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको पहले 10 टेस्ट सॉल्व कर लेने हैं। हो सकता है शुरू में आपके 200 क्वेश्चन में केवल 50 क्वेश्चन सही हो, लेकिन जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे, 10वें टेस्ट तक पहुंचोगे, तो आप इस 200 में से 170-180 क्वेश्चन सही कर लोगे। ये ऐसा नहीं कि पहला ही टेस्ट दोगे, पहले टेस्ट में आपका 150 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 160 क्वेश्चन सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका पहला टेस्ट में स्कोर कम रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और आपको वही इंप्रूवमेंट तो लाना है। 3 घंटे का टेस्ट देना है, 1 घंटे एनालिसिस करना है, मतलब 4 घंटे अल्टरनेट डेज पे, 4 घंटे अल्टरनेट डेज पे, मतलब आज दिए तो कल नहीं देना है, फिर परसों देना है, फिर नर्सों दिए तो फिर उसके अगले दिन नहीं देना है, उसके अगले दिन देना है, ऐसे आपको देना है। तो अगर अल्टरनेट डेज का 4 घंटा निकाल दो तो आपके पास 10 घंटे बचते हैं। अब 10 घंटे में आपको क्या पढ़ना है समझिए, उस 10 घंटे में आपको ये टॉपिक पढ़ना है। उस 10 घंटे में आप 2 घंटे कम से कम तो आप करंट अफेयर्स को दो ही दो, कम से कम 1 घंटा डेली पॉलिटी को दो, कम से कम 1 घंटा मॉडर्न इंडिया को दो, कम से कम 1 घंटा आप कंप्यूटर को दो, कम से कम 1 घंटा आप यूपी को दो, और कम से कम 1 घंटा आप किसको दो, इंडियन ज्योग्राफी को दो। किसमें, 10 घंटे में, कितनी हो गए, 3, 2, 5, 2, 7, 7 घंटे इधर हो गए, 3 घंटे अभी भी और बचे। इन 3 घंटे पे 2 घंटे आपको 2 आवर्स मस्ट है, किसके लिए, इंग्लिश के लिए, ये आपको देना ही देना है, क्योंकि इंग्लिश 50 क्वेश्चन है, 2 घंटे आपको इंग्लिश में देना है। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, 2 घंटे आपको किसको देना है, इंग्लिश को देना है। अभी भी आपके पास 1 घंटे शेष बचते हैं 10 में, और उस 1 घंटे में क्या करना है, आपको एनवायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ना है। इधर नहीं, ये 4 टॉपिक आपका मैं अलग कर दे रहा हूं मिसलिनियस का, इन दोनों टॉपिक को उस 1 घंटे में पढ़ना है। ये हमारा उस दिन का शेड्यूल है जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हो। जिस दिन टेस्ट नहीं दे रहे हो उस दिन आपके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा हैं, उस 4 घंटे में आप इसको ज्यादा समय दो। किसको, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, सेंसस, ट्रेड एंड कॉमर्स और मिसलिनियस। मतलब ये जो 4 टॉपिक है, एग्रीकल्चर, सेंसस, ट्रेड, कॉमर्स और मिसलिनियस, इनको आपको अल्टरनेट डेज पे पढ़ना है। जिस दिन टेस्ट देना है उस दिन ये नहीं पढ़ना है, जिस दिन ये पढ़ना है उस दिन टेस्ट नहीं देना है। अगर आप ऐसे डिवाइड करते हो तो आप एक पॉजिटिव तरीके से अपनी तैयारी भी बढ़ाओगे, प्लस आप समग्र रूप से सारे सब्जेक्ट को लेके चलोगे। और जब आप इस तरीके से चल लोगे तो ये पूरा शेड्यूल आपका 20 दिन में आपके सारे टेस्ट भी खत्म हो जाएंगे, और 20 ही दिन में आपका ये सारा कवर भी हो जाएगा एटलीस्ट एक बार रिवीजन। फिर जब आपके पास अगला 10 दिन बचता है तो आप इन्हीं चीजों का फिर से इस पोर्शन का और इस पोर्शन का रिवाइज करो। इसके अतिरिक्त आपके पास समय बचता है तो आप इसके जो टेस्ट है उसके सॉल्यूशंस पढ़ो। इसके अतिरिक्त समय बचता है तब आप इस वाले पोर्शन पे आओ, पहले टफ वाले पोर्शन को कर लो, फिर भी समय बचता है तो आसान वाले पोर्शन को कर लो। ये मेरी रणनीति है, ये इन जनरल रणनीति है। मैं समग्र रूप से बच्चे 95% बच्चों को, जिनको पढ़ने का जो शेड्यूल होता है, एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। भाई
आपको संकोच नहीं करना चाहिए, आप एक आज ही एक पेपर निकालो A4 साइज का, उस पे लिखो कि मुझे 7 बजे उठना है, सुबह 8 बजे उठना है, 8 से 9 मुझे ये पढ़ना है, 9 से 10 मुझे ये पढ़ना है, 10 से 11 मुझे ये पढ़ना है, 12 बजे मुझे टेस्ट देना है, उसके बाद मुझे एनालिसिस करना है, फिर यहाँ पे खाना खाना है, फिर मुझे नहाना है, फिर मुझे सोना है। ये आप टाइम टेबल बनाओ, और अगर 30 दिन आप टाइम टेबल बना लेते हो, यकीन मानो ये आपकी डिसिप्लिन ही आपको सफल करा देगी। 30 दिन आप अपने बचपने में चले जाओ, 30 दिन आप ऐसा मान लो कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, 30 दिन ऐसा मान लो कि अपनी जिंदगी में अंतिम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर ये 30 दिन आप मेहनत कर लिए तो यकीन मानो आपके दुनिया जिंदगी का सबसे हसीन समय होगा, सबसे किफायती समय होगा। और एक बार अगर आप अलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ एआरओ की वैकेंसी पर सेलेक्ट हो जाते हो मेरे भाई, तो दुनिया की बोल सकते हो कि सबसे हसीन जॉब है, सबसे रेपुटेटेड जॉब है, पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, और पूरी लाइफ बहुत जबरदस्त है अगर आप इस जॉब को ले लेते हो। तो अगर 30 दिन यार, एक महीना अपनी पूरी जिंदगी का, एक महीना आप अपनी पूरी जिंदगी संवारने में नहीं लगा सकते हो क्या? अरे कोई भी लगा लेगा यार, मुझे पता हो मेरा पेपर है कि 30 तारीख को करना है, तो मैं घर से बाहर ना निकलूं, मैं कुंडी लगा दूं, एक महीने में बोल दूं खाना मेरा कमरे में पहुंचा देना, पानी मेरा कमरे में पहुंचा देना, मैं एक महीने नहाऊंगा नहीं चलेगा, एक महीना मेरा चद्दर नहीं साफ होगा चलेगा, लेकिन मैं एक महीने ऐसे पढ़ लूंगा जो मेरी जिंदगी बदल देगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो जिनकी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन का कोई गोल नहीं है। नो डाउट पैसा है, बट कई बार इज्जत शोहरत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन फिर भी 99% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए एक सरकारी नौकरी, एक परिवार में रेपुटेटेड पोस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और कईयों का यह सपना भी होता है कि हाई कोर्ट में मैं जॉब करूं। हाई कोर्ट में जॉब करना ही अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है, एक जज के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है और एक जज सुप्रीम होता है, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी जॉब प्रोफाइल के बारे में तो आशीष सर ज्यादा अच्छे से बताई देंगे, मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि इन बातों का आपको फर्क पड़े। जाते जाते कुछ चीजें मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि इन समय में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो क्या करना है, सबसे पहली बात आपको कूल रहना है। कूल रहने का मतलब ये कि आप अपने दिमाग को समझाते रहो, कुछ भी ऐसा नहीं है, पैनिकनेस जैसी नहीं है। आप एकदम जीरो भी पढ़े होगे तो भी चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाओ। लेट मी एक्सप्लेन, स्टे कूल का कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। मैं कह रहा हूं कि 18 से 20 क्वेश्चन है, जितना मैंने बोल दिया टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे तो कितना भी आपका गंदा हो जाएगा ना, ये करंट अफेयर्स ऐसा है। यहां पे मैं लिखता हूं, चलो यहां पे लिखता हूं, ये 18 से 20 क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो आप 16 से 17 क्वेश्चन पक्का कर लोगे अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज कर ले रहे हो। पॉलिटी ऐसा है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हो। मॉडर्न इंडिया, ये मैं एवरेज बच्चों की बात बता रहा हूं, मैं टॉपर्स की बात नहीं बता रहा हूं, टॉपर्स तो और अच्छा करेगा, एवरेज बच्चों की बात बता रहा हूं। मॉडर्न इंडिया है, 10-12 क्वेश्चन में 8 से 9 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। कंप्यूटर है, 15 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। यूपी 10 में 8 से 9 क्वेश्चन कर सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी है, 6-7 में आप 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हो। केवल इतना ही पोर्शन जोड़ लो, चलो मैं मैक्सिमम जोड़ लू, 17 हो गया, 17 8 25 हो गया, 25 और 9 कितना हो गया 34 हो गया, 34 और 10 44 हो गया, 44 और 9 अगर जोड़ लिया जाए तो 53 हो गया, और 53 और 5 58 हो गया, मतलब 58 क्वेश्चन आप यहां पे कवर कर लोगे। इंग्लिश अगर आपका 50 है, मैं कह रहा हूं एक एवरेज बच्चा है जिसे अंग्रेजी सही से नहीं आती, फिर भी अगर वो तरीके से पढ़ लिया तो 50 में से कम 35 प्लस बहुत आराम से स्कोर कर लेगा। मिनिमम अटेम्प्ट मैं बता रहा हूं, ये आपकी एक्यूरेसी वाला अटेम्प्ट बता रहा हूं कि अगर आप मेहनत करके जाते हो तो इतना कर लोगे, 35 क्वेश्चन आप कर लोगे, और अगर वो इंग्लिश का 35 यहां पे जोड़ दिया जाए तो 8 5 13 और 5 3 8 1 9 93 क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया। उसके बाद आप देखो ये आसान वाला, ये 35 क्वेश्चन, इस 35 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना तो 30 से 32 क्वेश्चन करके आओगे। इवन बहुत सारे बच्चे 35 में 35 करके आएंगे, मैं चलो केवल 32 जोड़ रहा हूं तो कितना हो जाएगा यहां पे, 3 2 5 और 9 3 12 125 क्वेश्चन आप यहां पे कवर कर लिए। उसके बाद आपका एनवायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब में मैं कह रहा हूं 8 5 13 13 3 16 16 3 19 19 2 21 21 और 10 कितना हो गया 31। 31 क्वेश्चन में अरे आप कुछ नहीं करोगे, आप 20 से 22 क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बहुत आराम से कर लोगे। चलो अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन यहां पे कर लेते हो तो आप कितना पहुंच गए, 145 से 147 क्वेश्चन पहुंच गए। स्टिल आपके पास क्या बचा हुआ है, ये टफ वाले पोर्शन बचे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के इसे नहीं जाओगे, 14-15 क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन आप कवर करोगे। और अगर 7 से 8 क्वेश्चन यहां पे आप कवर कर लेते हो तो कितना आ गया, 7-8 और जोड़ दो इसमें तो कितना आ जाएगा आपका, चलो मिनिमम में जोड़ दूं तो 145 और 7 कितना हो गया 152, और 147 और 8 कितना हो गया 155 क्वेश्चन आप पहुंच गए।
मतलब कि अगर आप एकदम एवरेज बच्चा भी इस 30 दिनों में 155 क्वेश्चन बहुत आराम से पहुंच सकता है, और अगर थोड़ा आपने स्मार्ट और मेहनत कर लिया, सीरियसली मेहनत कर लिया, आपका गेन ज्यादा हो गया, दूसरी बात निगेटिव नहीं है, क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं एक्स्ट्रा 45, इस 45 क्वेश्चन में क्या आपके 20 भी क्वेश्चन सही नहीं होंगे? मैं कह रहा हूं 20 गलत हो जाएं, 25 गलत हो जाएं, तो 20 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे, क्योंकि वो ब्लाइंड गेस तो होगा नहीं, आपका लॉजिकल गेस होगा, तो 20 क्वेश्चन वहां भी सही हो जाएगा। मतलब स्टिल आप 155 में 165 170 सही क्वेश्चन करने की कैपेसिटी रखते हो जब आप एवरेज स्टूडेंट हो। और अगर आप अच्छे हो, अगर आप टॉपर हो, अगर आपने मेहनत किया है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट 185 180 भी जा सकता है, और जिसमें एक्यूरेसी के साथ कटते पिटते आपके 175 क्वेश्चन 170 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और इस बार आपकी कट ऑफ भी लो जाएगी। कारण क्या है कि आपका जो टाइपिंग है वो सेम डे, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी फर्क डालेगा, इस बात को आपको समझते हुए चलना है। दूसरी बात ये भी समझते चलना है कि यूपीपीएससी का आरओ सेम टाइम पे लगा हुआ है, बच्चे भले ही खाली हो जाएंगे 5 तारीख को उनका हो जाएगा, ये हो जाए, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। जिनका यूपी आरओ लगा हुआ है वो हिंदी में ज्यादा दिमाग लगाए हैं, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो 50 क्वेश्चन वो सीधे आपसे बैक आ गए हैं। उनका कंप्यूटर स्ट्रांग नहीं होगा तो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन वो सीधे बैक आ गए हैं। तो वो अच्छे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पीसीएस वाले बच्चे जिनका जीएस सो कॉल्ड स्ट्रांग होता है, वो आपसे फाइट में ज्यादा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपका कट ऑफ को नीचे लेके आएगा। जो पहले कट ऑफ 100 जो ओवरऑल 250 में से 211 212 गया था, या मैं बोल दूं 200 में से 160 प्लस गया था, वो कट ऑफ आपका आपके फिर से 140-145 पे आके गिरेगा, और 155 आप यहां पे वैसे पा रहे हो अगर मैं ज्यादा ना लूं तो, 145-47 अगर मैं एक्स्ट्रा ना जोड़ू तब आप पा रहे हो, ये जो तुक्का वाला क्वेश्चन है उसे ना जोड़ू तब आप पा रहे हो। तो आप सेफ जोन में हो, नो डाउट आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। इस कारण मैं बोल रहा हूं कि आपको कूल रहना है, आपका मूल मंत्र क्या है, स्टे कूल रहना है। जो आपने पढ़ लिया बहुत था, अब समय है आपके लिए रिवाइज करने के लिए, तो द मोर यू रिवाइज द मोर यू गेट। पॉजिटिव सोचना है कि भाई लड़के ही सिलेक्शन लेते हैं, कोई भगवान द्वारा भेजे हुए दूत नहीं लेते हैं, आप भी उन्हीं में से एक हो, आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। होपफुल रहो कि होगा क्यों नहीं, भाई सभी मेहनत करते हैं, सबका होता है तो आपका भी होगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने डे में 14-15 घंटा बोल दिया तो मामा के लड़के की शादी है, फूफा के लड़के की शादी है, इनकी भैंस बीमार है, उनका खेत काट लिया गया है, इनमें आपका दिमाग नहीं, आज गर्लफ्रेंड रूठी हुई है, आज मेरा बॉयफ्रेंड चला गया है, आज इससे ब्रेकअप हो गया है, ये सारी चीजें आपके जीवन में अंतिम 30 दिन में स्पेस नहीं है। 30 दिन आप अपने लिए स्पेस निकालो, खुद के लिए स्पेस निकालो, बाकी सारी चीजें आपके झोली में होंगी, आपके हाथों में होंगी। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य को ठीक रखो, क्योंकि इस पे केवल और केवल आपका कंट्रोल होता है, बाकी किसी का नहीं होता। अच्छा खाओ, अच्छा सो, और अपने आप को हेल्दी रखो। क्या नहीं करना है, अवॉइड इमोशनल अटैचमेंट। मतलब आपको इमोशनली अटैच नहीं होना, किससे, अपनी परिवार से भी नहीं। समय नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पे आप टॉपिक से इमोशनली अटैच नहीं रहो। जैसे आप हिंदी बहुत अच्छी लगती तो हिंदी पढ़ लो, नहीं पढ़ना है, मेडिवल पढ़ लो, नहीं पढ़ना है, एंशन पढ़ लो, नहीं पढ़ना है, वर्ड ज्योग्राफी पढ़ लो, नहीं पढ़ना है, इनसे आप इमोशनली अटैच मत हो। कोई टॉपिक आपको पढ़ते पढ़ते इतनी अच्छी लग गई कि क्या हो गया, मैं उससे डूब गए, पीएचडी कर डाले। इसी ये 30 दिन आपको पीएचडी करने के लिए नहीं मिला है, ये 30 दिन आपको रिवाइज करने के मिला है। तो इमोशनल अटैचमेंट आप छोड़ दो, प्यार बाद में कर लेना टॉपिक से, थोड़ी बेवफाई भी चल जाएगी आपकी, सारे लोगों को बराबर समय दो, और जो आपका सगा है, जो आपका संबंधी है, ऐसे पोर्शन जहां पे कम मेहनत से ज्यादा क्वेश्चन आना है उस पे ज्यादा दो, तो इमोशनली अटैच नहीं होना है। अवॉइड टफ टेस्ट सीरीज, किसी भी ऐसे कोचिंग संस्थान की या किसी भी ऐसे वेबसाइट की ऐसी टेस्ट सीरीज मत लो जिसका स्टैंडर्ड बहुत ही गंदा हो, जिसमें बहुत टफ हो, जो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पेपर बनाता हो। कैसे चेक करोगे, आपका किसी में अगर बिलो एवरेज स्कोर आता है इसका मतलब वो टेस्ट सीरीज आपकी अच्छी नहीं है। अवॉइड बल्की मटेरियल्स, भाई कोई 100 पन्ने का नोट्स बना दिया, कोई 150 पन्ने का नोट्स बना दिया, हिंदी ही 150 पेज का दे दिया, अंग्रेजी 300 पेज का दे दिया, हिस्ट्री ही 300 पेज का दे दिया, तो 30 दिनों में बल्कि मटेरियल नहीं चलेगा और ना ही न्यू मटेरियल चलेगा। अगर आप परीक्षा प्लस से जुड़े, मैं जानता हूं कि इस पूरे यूपी में सबसे ज्यादा बच्चे परीक्षा प्लस से ही जुड़े हैं, ये मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है, फील करते हुए बहुत अच्छा लगता है, और मैं फिर बोल रहा हूं कि आप सबसे ज्यादा संख्या में हो, और मेरी पूरा प्रयास है कि मैं इस बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन परीक्षा प्लस के द्वारा ही होगा। जिस दिन मैं 250 के 250 आपका फोटो लगाऊंगा ना, उस दिन मैं बोलूंगा कि हां आज मेरी मेहनत रंग लाई है। तो ये आपको
न्यू मटेरियल नहीं ट्राई करना है, आपका जो परीक्षा प्लस का मटेरियल है वही आपको करते रहना है। प्लस ये मैंने बोल दिया डोंट रीड एनीथिंग न्यू। इसके साथ ही अंतिम में लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे लगातार बोल रहे थे सर केवल इंग्लिश का कोर्स दे दीजिए, सर केवल कंप्यूटर का कोर्स दे दीजिए, तो आपके लिए स्पेशल बैच बना दिया गया है जिसमें कंप्यूटर की सारी क्लासेस, इंग्लिश की सारी क्लासेस, कंप्यूटर के सारे नोट्स, इंग्लिश के सारे नोट्स, प्रैक्टिस और 10 फुल लेंथ के टेस्ट सीरीज दे दिया गया है। 1000 कोर्स है जिसमें आपको रिड्यूस करके 499 मिल जाएगा। परीक्षा प्लस ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई समस्या है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। फिर मिलेंगे, आपकी तैयारी में लगातार रहेंगे, रिवीजन करवाएंगे आपका, बहुत मेहनत करने वाले हैं हम लोग अगले 30 दिन। आप भी तैयार रहिएगा, मैं भी तैयार हूं, पूरी टीम तैयार है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।